देखो भाई लोग, टाटा फैंस के लिए एक काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ सामने निकल कर आ चुकी है। इंडिया की मोस्ट सेलिंग एसयूवी कार टाटा नेक्सॉन का न्यू जनरेशन मॉडल बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। फिलहाल के लिए इसकी टेस्टिंग चल रही है और जैसे ही इस कार की टेस्टिंग खत्म हो जाएगी, इसको इंडियन मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। लेकिन आज के डेट में जो टाटा नेक्सॉन इंडियन मार्केट में बिक रही है, वो इंडिया की नंबर वन मोस्ट सेलिंग एसयूवी कार है, जिसको इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस कार को सेफ्टी में 5 स्टार रेटिंग भी मिले हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं टाटा नेक्सॉन के न्यू जनरेशन मॉडल के बारे में डिटेल में बात करूंगा, यानी न्यू जनरेशन मॉडल के अंदर क्या क्या चेंजेस करे जाएंगे, इंटीरियर कैसा रहेगा, इंजन कौन सा नया आपको मिलेगा, सभी चीजों के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्सटीरियर लुक से स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सटीरियर में आपको काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल जाएंगे, फ्रंट फीशा में, रियर के फीशा में और साइड के प्रोफाइल को भी काफी ज्यादा चेंज किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका जो फ्रंट का फीशा रहेगा, जो फ्रंट का लुक रहने वाला है, ये कंप्लीटली इंस्पायर्ड होगा टाटा कर्व से। आपको बताना चाहूंगा, टाटा कर्व ये टाटा की अपकमिंग कार होने वाली है, जो कंपीट करेगी क्रेटा, सेल्टोस, टाइगन, कुशक, एस्टर के साथ। उसका जो फ्रंट का फीशा है, सेम फ्रंट का लुक आपको अपकमिंग टाटा नेक्सॉन का देखने को मिल जाएगा, यानी उससे इंस्पायर्ड टाटा नेक्सॉन का फ्रंट का लुक हो सकता है। ये चीजें बहुत सारे आर्टिकल में कवर करी गई है। अपकमिंग नेक्सॉन के फ्रंट फीशा में न्यू हेडलैम्प का सेटअप दिया जाएगा, जिसका डिजाइन थोड़ा सा नया रखा जाएगा। इसके अलावा न्यू LED DRL का सेटअप दिया जाएगा और इसके जो फ्रंट के ग्रिल से इसका डिजाइन चेंज किया जाएगा, जिसकी मदद से अपकमिंग नेक्सॉन का लुक थोड़ा सा और ज्यादा बेहतरीन लगेगा। इसके अलावा फ्रंट के बम्पर्स और रियर के बम्पर्स को रीडिजाइन किया जाएगा। तो ये मेजर अपडेट्स किए जाएंगे नेक्सॉन के फ्रंट लुक में। इसके अलावा साइड प्रोफाइल में नए अलॉय व्हील्स दिए जाएंगे, जिसका डिजाइन कम्प्लीटली नया रखा जाएगा। और रियर के फीशा में आपको बहुत सारे अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि न्यू LED टेललाइट का सेटअप ऑफर किया जाएगा। टेलगेट को टाटा कंपनी अपडेट कर सकती है, यानी जो टेलगेट दिया जाता है उसको रीडिजाइन किया जा सकता है। ये सब कुछ चीजें हमें आने वाले समय में पता चल जाएगी। यानी नेक्सॉन का जो न्यू जनरेशन मॉडल रहेगा, उसके एक्सटीरियर में आपको काफी ज्यादा नए डिजाइन एलिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। इसका फ्रंट का लुक थोड़ा सा अलग होगा और रियर के फीशा में भी आपको काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल जाएंगे। इंटीरियर की बात करूं तो भाई, इसके इंटीरियर में काफी ज्यादा चेंजेस करे जाएंगे। डैशबोर्ड कंप्लीटली नया रखा जाएगा और जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, उसकी जो साइज है वो बढ़ाई जाएगी। आपको 10.25 इंच का बड़ा सा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है। इसके अलावा 360 डिग्री कैमरे का ऑप्शन टाटा कंपनी ऑफर कर सकती है, क्योंकि सेम चीज आज के डेट में कंपिटिटर कारों के अंदर दी जाती है। तो यहाँ पर आने वाले समय में नेक्सॉन के अंदर हमें 360 डिग्री कैमरे का ऑप्शन मिल सकता है। हेडसअप डिस्प्ले भी हमें इस कार के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी के तहत कुछ फीचर्स को ऐड किया जाएगा, सनरूफ दिया जाएगा, वॉइस कमांड फीचर आपको मिलेगा और ढेर सारे फीचर्स को इम्प्रूव किया जाएगा इंटीरियर में। कंफर्ट उसमें शामिल है और बहुत सारी चीजें आपको नई देखने को मिल जाएगी। तो ये सब कुछ चेंजेस आपको इंटीरियर में देखने को मिल जाएंगे, यानी करंट मॉडल के मुकाबले न्यू जनरेशन नेक्सॉन के अंदर आपको काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूं, तो जो अपकमिंग नेक्सॉन रहेगी, उसके अंदर एक नया पेट्रोल इंजन इंट्रोड्यूस कर सकती है टाटा, जो कि रहेगा 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। और ये इंजन 125 BHP की पावर आउटपुट और 225 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेता है। इस इंजन को टाटा ने 2023 के ऑटो एक्सपो में शोकेस किया था। तो डेफिनेटली बहुत सारी टाटा की अपकमिंग कारों के अंदर आपको सेम इंजन देखने को मिल जाएगा और टाटा की तरफ से ये एक नया इंजन इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो इस इंजन के साथ टाटा नेक्सॉन का न्यू जनरेशन मॉडल इंडियन मार्केट में एंट्री करेगा। लेकिन जो करंट टाटा नेक्सॉन है, वो इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा बिकती है। अगर मैं करंट नेक्सॉन के प्रोज की बात करूं, तो इसके अंदर आपको पावरफुल इंजन मिल जाता है और ये पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन के साथ आ जाती है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट आपको टाटा नेक्सॉन का देखने को मिल जाएगा। जिन लोगों को डीजल में एसयूवी कार लेनी है, वो लोग टाटा नेक्सॉन के डीजल मॉडल के साथ जा सकते हैं। डीजल इंजन के साथ नेक्सॉन 20 के ऊपर माइलेज दे देती है। खैर, माइलेज टोटली आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। जो सेकंड प्रोज है करंट नेक्सॉन का, वो है इसका रोड प्रेजेंस और ग्राउंड क्लियरेंस। भाई, नेक्सॉन दिखने में काफी ज्यादा बेहतरीन है। इसका फ्रंट का लुक और रियर का फीशा आपको डेफिनेटली अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। अगर मैं तीसरे प्रोज की बात करूं, तो आपको काफी बेहतरीन फीचर्स मिल जाएंगे टाटा नेक्सॉन के अंदर, जैसे कि आपको रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक सनरूफ का ऑप्शन भी इसके अंदर दिया जाता है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन आपको मिलेगा, एयर प्यूरिफायर आपको मिलेगा, वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन इसके अंदर ऑफर किया जाता है, क्रूज कंट्रोल, ऑटो डिमिंग, IRVM आपको मिलेगा और ढेर सारे फीचर्स करंटली टाटा नेक्सॉन के अंदर दिए जाते हैं। अगर मैं कॉन्स की बात
बात करूं यानी नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो करंटली टाटा नेक्सॉन के सिर्फ टॉप मॉडल के अंदर काफी बेहतरीन फीचर्स दिए जाते हैं और ये चीज बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन करी है। अगर आप बाकी वेरिएंट के साथ जाओगे तो वहां पर आपको इतने अच्छे खासे फीचर्स नहीं मिलेंगे। अगर आप ब्रेजा को कंसिडर कर लेते हो तो ब्रेजा के बेस मॉडल के अंदर भी काफी बेहतरीन फीचर्स को इंक्लूड किया है मारुति सुजुकी ने। ब्रेजा के सेकेंड बेस थर्ड बेस मॉडल के अंदर भी ठीक ठाक फीचर्स ऑफर किए जाते हैं लेकिन वो चीज यहाँ पर टाटा नेक्सॉन से मिसिंग है, यही बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट है फिलहाल के लिए। इसके बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। जो सेकंड नंबर का नेगेटिव पॉइंट है वो है मिसिंग फीचर। हालांकि आज के डेट में आप ब्रेजा का फेसली मॉडल देख लोगे तो उसके अंदर आपको 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कर्टन एयरबैग्स मिलेंगे और ढेर सारे ऐसे फीचर्स जो कि आप टाटा नेक्सॉन के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो नेक्सॉन का न्यू जनरेशन मॉडल रहेगा टाटा कंपनी वो सभी फीचर्स नेक्सॉन के न्यू जनरेशन मॉडल के अंदर ऑफर कर सकती है। जैसे कि आपको अपकमिंग नेक्सॉन के अंदर 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन मिलेगा, हेडसअप डिस्प्ले का ऑप्शन आपको मिलेगा और ढेर सारे अच्छे खासे फीचर्स आपको अपकमिंग नेक्सॉन के अंदर देखने को मिल जाएगा। जो थर्ड नंबर का नेगेटिव पॉइंट बताया जाता है नेक्सॉन के बारे में वो है इसका AMT मॉडल और डीजल मॉडल। इन दोनों ही मॉडल की कीमत आपको काफी ज्यादा देखने को मिल जाएगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल वेरियंट। उसी वजह से बहुत सारे लोग मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ और पेट्रोल मॉडल के साथ जाते हैं तो ये एक नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सब कुछ चीजें थी टाटा नेक्सॉन के बारे में जो कि आज के डेट में इंडियन मार्केट में बिक रही है। लेकिन मेरे हिसाब से जो अपकमिंग नेक्सॉन रहेगी उसके अंदर टाटा कंपनी ये सब कुछ चीजें इंप्रूव कर सकती है। इसके बारे में आपको क्या लगता है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और जो करंट मॉडल टाटा नेक्सॉन का इंडियन मार्केट में बिक रहा है उसका जो लुक है वही आने वाले नेक्सॉन का रहना चाहिए या फिर उसके अंदर काफी ज्यादा अपडेट्स होने चाहिए, इसके बारे में आपके क्या विचार है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि टाटा नेक्सॉन का अपडेटेड वर्जन बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।